हम लोग को मिल नहीं रहा अपना जहाँ पर हम लोग जाना है, तो इधर से इधर पजल के जैसे घूम रहे हैं। एक्चुअली हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं आपको भी मैं लेके जाऊंगी, जिस जगह पर मैं जा रही हूँ उस जगह पर हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। यहाँ पर गुजरात का फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ एक जगह पर, गूगल मैप देख देख के जा रहे हैं। जगह का नाम है अठोर का गणपति, जो कि गुजरात में मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जूता रखने का जगह, मंदिर पे आने के बाद यहाँ पर आप जूता खोल के मंदिर जा सकते हैं। और ये मंदिर का अगल बगल बिल्डिंग बन रहा है, यहाँ का जगह कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं है, अभी बन रहा है। और मंदिर के बाहर कुछ ऐसे टाइप के बाउंड्री है जहाँ पर कार पार्किंग है, और अगल बगल छोटे छोटे शॉप है जहाँ पर मंदिर का पूजा का सामान मिलता है। और ये है मेन गेट जहाँ से लोग एंट्री लेते हैं। ये है पार्क एरिया, यहाँ पर ग्रीनरीज बहुत अच्छा है, यहाँ पर सब कोई बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते, बातें कर सकते, कोकोनट ट्री है। गुड इवनिंग फ्रेंड, अभी अभी हम लोग गणपति दर्शन करके आए हैं, देख सकते हैं मेरा बिंदी बिंदी लगा हुआ है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ एडवांस हैप्पी होली ऑल व्यूअर्स को, और अभी मैं आपको लेके चलूँगी होली के पहले जो होलिका जलते हैं, पहले वाला दिन, इससे पहले उनका पूजा होता है उसके बाद होलिका जलता है। तो चलिए मेरे साथ, आपको भी मैं दिखाती हूँ यहाँ का सोसाइटी में कैसे होलिका जलता है और कैसे सब इंजॉय करते हैं। दहन हुआ है अभी, ऊंचा ऊंचा तक आगे फेंक रहा था, और होलिका में जो नारियल देते हैं कोकोनट, वो सब फूट रहा था, ढाप ढूप ढाप ढूप करके आवाज आ रहे थे। मैं फर्स्ट टाइम इतना अच्छा होलिका का दहन देखी, और इतना भीड़ जितने भी सोसाइटी का फैमिली है, सारे फैमिली इकट्ठा हुए। ये वाला ब्लॉग छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं गणपति दर्शन करने गई थी। जो गणपति में मैं गई थी वो गणपति आपका जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ से 27 किलोमीटर दूरी पे है, तो हम लोग ट्रेन से गए थे। और वहाँ पर भी बहुत अच्छा, आसपास जो है थोड़ा गांव-गांव टाइप का है, लेकिन मंदिर बहुत अच्छा है। हम यहाँ पर आंटी से सुने हैं, जो मंदिर बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो उस मंदिर पे गणपति को हम लोग लौंग जो होता है ना, जो क्लोव्स जो होते हैं हम लोग खाने पे डालते हैं, वो लौंग का माला बना के गणपति को चढ़ाया जाता है, और कोई भी विश करने से पूरन होता है, ऐसे यहाँ का मान्यता है, नहीं पता। तो 21, 51, 108 इस टाइप का लौंग का माला चढ़ाते हैं गणपति को। कभी भी मैं सुनी नहीं हूँ जो लौंग का माला चढ़ाया, तो यहाँ पर आके मैं सुनी हूँ, ये वाला एक नया बात मेरे लिए है। तो ऐसे दर्शन करके आए गणपति का, और गणपति जो है ना वहाँ का जो उनका जो सूर है वो और आँख सोने का है, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर अंदर में तो सूट करने नहीं दिया, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई गणपति का मूर्ति, बाहर का मंदिर ही खाली शेयर की हूँ।
और वहाँ पर स्लीपर वगैरह रखने का जगह है अलग से। उसके बाद सत्संग होता है, सत्संग के लिए अलग से रूम बनाए गए हैं, बैठने का व्यवस्था की है, वो सब है। अगल बगल दुकान पाठ पूजा का सब कुछ मिलता है। आसपास जगह अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो बन रहा है घर द्वार, बाकी बाउंड्री सब बाकी घर द्वार बन रहा है। तो हम लोग वहाँ से आए, आने के बाद सीधा घर पे आके थोड़ा सा पैर उर धो ली, पैर उर धो के होलिका के पास गए और वहाँ पर जाके आप सबके साथ भी शेयर की हूँ और मैं भी पूजा वहाँ पर की हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और कल होली वाला ब्लॉग मैं अलग से बनाऊंगी। उसमें इस सोसाइटी में जो होली कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, सब सोसाइटी के सारे मेंबर्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए मैं कल का ब्लॉग अलग से बनाऊंगी और होली के लिए एक स्पेशल रेसिपी मैं बनाऊंगी घर पे, वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो कल का ब्लॉग आएगा, उसके लिए आप देखते रहिए मेरे चैनल को। और आज का ब्लॉग मैं अभी एंड करती हूँ और एंड करने के पहले फिर से मैं कहती हूँ अगेन हैप्पी होली एडवांस। तो मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।